गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल, यस और नो, हेलो, ओके। तो मैंने बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया था, कुछ टंग्स प्रैक्टिस हम कर रहे थे, लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन करके लेके आना था, राइट? और कुछ हमने क्वेश्चन यहां भी किए थे और जो क्वेश्चन बचे हुए आपको करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन था, उसको ध्यान से देख लो। आपका एक ब्लू प्रिंट क्वेश्चन था, बुक का एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 171 पर, 171 पर मिल जाएगा आपको, पेज नंबर 171 पर आपको ब्लू क्वेश्चन जो होते हैं उसमें देखो बेटा, ओपन करो बेटा बुक, उसमें क्वेश्चन गिवन है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्निफाइड इनलार्ज रियल इमेज। दिखा बेटा, बेटा रिप्लाई करो, हेलो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? आपकी आवाज हमारे पास क्यों नहीं आ रही है बेटा? एक बार यस नो में रिप्लाई करो, आवाज आ रही है यस और नो? यस सर। तो रिप्लाई करो ना बेटा, फिनिश की क्लास में अभी चुप चुप से कैसे फील आएगा? चलो हम बात करते हैं कॉनकेव की। तो कॉनकेव मिरर में आपको बेटा क्वेश्चन दिया है, कॉनकेव मिरर, तो मैं इसका थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि कॉनकेव मिरर होता है वो ऐसा होता है और इसमें फोकस किस साइड पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी साइड होगा, ठीक है? फिर इसमें बात किया बेटा, इसने उसने आपको दिया है मैग्नीफाइड इमेज, 3 times मैग्नीफाइड इमेज लिखा है बेटा। पड़ोस क्वेश्चन को, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज, ध्यान देना इस बात में, इस क्वेश्चन में ध्यान देना बेटा, उसने आपको क्या लिखा हुआ है, मैग्नीफाइड रियल इमेज लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं, क्वेश्चन मिला कि नहीं पहले बताओ। 171 पर क्वेश्चन मिल गया सभी को, उसमें देखो आपको मैग्नीफाइड के साथ साथ रियल दे रखा है। अगर मैं वहां से रियल लगा देता हूं और ये लिखता सिर्फ मैग्नीफाइड इमेज, तो क्या चेंज आता है, क्या क्वेश्चन में आंसर में चेंज आता है या फिर नहीं आता, सोचो। उसमें रियल इमेज दे रखा है, सुनो आपको, देखो अगर मैंने रियल नहीं दिया क्वेश्चन में, अब मेरे जो क्वेश्चन बेटा एग्जाम आएंगे उस तरीके से आएंगे, उसमें आपको सोचना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, इतने इजी क्वेश्चन नहीं कि इसमें मैं आपको देखे भी रखूं रियल। सपोज करो मैंने रियल नहीं दिया, सिर्फ लिखा मैग्नीफाइड, 3 times मैग्नीफाइड इमेज ये लिख दिया, क्या लिख दिया, 3 times मैग्नीफाइड इमेज, मीन्स एम कितना है बेटा, एम तो मुझे पता लग गया कि मेरे पास जो एम रहने वाला है वो 3 रहने वाला है। अगर मैं क्वेश्चन में रियल कट कर देता तो क्या आंसर आता, राइट? देखो बेटा मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कैसे देता, और कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड रियल की जगह रियल नहीं लिखता और लिख देता इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? ध्यान से, तो इसमें क्या चेंज आता? फिर हम सोचते हैं मैग्नीफाइड बन रही है और मैग्नीफाइड 2 केस में बन सकती है, क्या कॉनकेव मिरर रियल इमेज और मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, यस और नो? क्वेश्चन ध्यान से सुनो, रियल प्लस मैग्नीफाइड कॉनकेव बना सकता है कि नहीं बना सकता है? अगर रियल नहीं देता तो बना सकता? तो बेटा यहां पर फिर हमें सोचना पड़ता, जो सोचना पड़ता है बेटा, अगर मैं यहां पर बोलता कॉनकेव मिरर तो पॉसिबिलिटी थी रियल क्या कुछ नहीं बनाता इनलार्ज, और मैं बोलता मेरा डिमिनिश इमेज बना रहा है, लेकिन मैंने दिया नहीं है, मैंने बोला कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस 0.5 times है ना डिमिनिश इमेज, तो आपको ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स जो मिरर होगा वो कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल, ऐसे सोचो। तो बेटा यहां पर प्लस लेना है कि माइनस, वो कैसे डिसाइड करेंगे, ये रियल इमेज प्लस इनलार्ज इमेज दोनों बना सकता है एक साथ में, यस और नो? बना सकता है,
तो फिर मुझे अगर ऐसा होता तो इसके लिए एम क्या लेना पड़ता, प्लस या माइनस? बेटा माइनस लेना पड़ता, यस और नो? अच्छा मुझे बताइए, वर्चुअल इमेज बना सकता है कि नहीं बेटा? वर्चुअल इमेज बना सकता है कि नहीं? यस सर। वर्चुअल डायरेक्ट क्या इन लार्ज बना सकता है? तो फिर मेरे पास यस सर प्लस थ्री लेना पड़ता। मीन्स एक रियल के हट जाने से आपके क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको दोनों पार्ट करके आने, अगर वो वहां से उस रियल वर्ड को हटा दे तो यही क्वेश्चन दो बार करके आना है। एक बार आपको लेना है सर रियल इमेज, दूसरी बार लेना है सर वर्चुअल इमेज। रियल इमेज लोगे तो माइनस थ्री और वर्चुअल लोगे तो प्लस थ्री। समझ में आया बेटा? ये सुनो क्या करना है, क्वेश्चन का फिलिंग आई कैसा करना है, क्या है क्वेश्चन में? यस सर। अब उसने तो क्या आपको पहले दे दिया रियल इमेज, मीन्स ये वाला पार्ट करना है। अब समझो बेटा मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है एम इक्वल टू माइनस थ्री, थ्री टाइम्स है और माइनस क्यों लिया बेटा? माइनस क्यों लिया मैंने यहां पर? क्या गिवन है? रियल इमेज। एम रियल इमेज के लिए कौन सा आता है? माइनस आयन आएगा, यस और नो? बोलो बेटा माइनस आयन आएगा? रिप्लाई करते रहो धमाधम और अच्छे तरीके से, ठीक है? चलो बात करते उसने और क्या दे रखा है। ऑब्जेक्ट पैलेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज इमेज लोकेटेड? हम तो सब कुछ बात कर लेंगे जितना हम कर सकते हैं। देखो आओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा कितना गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखा दो मुझे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा कितना गिवन है? पता नहीं ये कहां पर है, हम बना नहीं सकते, कहीं पर भी ले लेता हूं तो मुझे नहीं पता कि इसका सी ज्यादा है या एफ ज्यादा है, कुछ पता नहीं है, ठीक है? 10 सेंटीमीटर गिवन है तो माइनस 10 या प्लस 10 बेटा? माइनस 10 या प्लस 10? मर गए, माइनस 10, माइनस 3 हो गए। इतना टाइम लग रहा है, हजारों बार बता चुका हूं ऑब्जेक्ट में तो सोचना नहीं, माइनस ही आता है ऑब्जेक्ट में तो क्या सोचना है। चलो अब सर यही पता है, बाकी तो पता नहीं है, क्या निकालना था? वी तो फाइंड करना है, इसके फॉर्मूले में कहीं वी आता है क्या? एम इक्वल टू बेटा क्या आता है बोलो? एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन, माइनस वी अपॉन यू। एम क्या है? माइनस थ्री है सर। वी कितना है? नहीं पता है, माइनस वी का वी लिख दिया। अब यू, यू कितना है सर? माइनस टेन है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो इससे इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया बेटा वी माइनस 30। यस और नो, ये समझ में आया कि नहीं बेटा? यस सर। तो मेरे पास आ गया वी माइनस 30 सेंटीमीटर। अगर मैं इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाता तो मैं क्या करता इस क्वेश्चन में, आपसे सब कुछ निकलवा लेता कि यहाँ पर एफ बताओ मुझे, एफ कितना आएगा? तो इस क्वेश्चन का एफ फाइंड करो बेटा। फोकल लेंथ कितना आएगा बता दो जल्दी से, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? अगर मैं पूछवा था आपसे कि इसका रे डायग्राम, मैं ये भी नहीं देता, मैं और इस क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पता है क्या करता, सिर्फ ये देकर के आपसे ये भी नहीं पूछा था कि वी क्या है, मैं कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आपको देता रियल इमेज और इसका रे डायग्राम बना दो, ये इन्फॉर्मेशन देता। मेरे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे अटपटे से, ध्यान रखना एग्जाम में आपको क्वेश्चन अटपटे मिलेंगे। मैं क्या करता, इसमें आपको एम देता, यू देता और क्वेश्चन सिर्फ देता रे डायग्राम ड्रॉ कर दो, तो आपकी वहां पर बस्ती भूल हो जाती है सर क्या निकाले। तो सब कुछ निकालना होता है रे डायग्राम के लिए, आपको वी निकालना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास वी है, यस और नो? क्या आपने वी निकाल लिया बेटा? बोलो वी निकाल लिया? यस सर। यस सर। क्या आपके पास यू है? क्या आपके पास यू है? है कि नहीं मेरे पास यू? अच्छा यू हमारे पास बता दो कितना है, माइनस 10 है। वी अभी हमने निकाला है, माइनस 30 निकाला है। और मुझे एफ निकालना पड़ेगा रे डायग्राम बनाना होता तो प्लस, मिरर फॉर्मूला मुझे पता है जहां से एफ निकाल सकता हूं, है कि नहीं? अब चाहे तो इसको आप पहले एलसीएम लेकर एफ पहले निकाल लो, तो वी यू, यू प्लस
बी इक्वल टू वन अपॉन एफ, एफ निकालना है तो रेसिप्रोकल भी कर दो साथ में फॉर्मूले का, और ये रेसिप्रोकल हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, वी कितना है माइनस 30 है सर, यू कितना है माइनस 10, और वापस से यू कितना है माइनस 10 है सर, प्लस वी कितना है माइनस 30 है सर, ये कितना आया, ये माइनस के ये माइनस 10 से 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 इंटू 10, और नीचे कितना बचा बेटा, नीचे कितना बच गया हमारे पास में 10 और माइनस, तो माइनस 40, यस और नो बताओ जरा, क्या आप निकाल पा रहे हो चीजों को? नहीं, ये आया माइनस 7.5। अब मुझे सब पता है, मुझे इसका रेडियस पता है, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर आएगा, है कि नहीं पता है, तो क्या मैं इसका डायग्राम बना सकता हूँ? यस, अब मैं इसका डायग्राम प्लॉट कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा करो बेटा, अब इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, आप खुद से सोचा करो इसमें रियल नहीं होता तो क्या होता, इसके दो केस बनते, फिर हम कहते इफ इमेज इज रियल देन एन इक्वल टू माइनस 3। फिर सेकेंड केस में हम करते सोल्व बेटा उसको, इफ एम इमेज इज वर्चुअल एम इक्वल टू प्लस 3। समझ में आया बेटा? यस और नो? माइनस 3 कैसे आया, मैं आपको टेबल भी बना चुका हूँ, सब कुछ करा चुका हूँ कि बेटा जब रियल इमेज बनती है उसके लिए आपको एम प्लस लेना होता है या माइनस लेना होता है, एक बार दिखा दो मुझे, एम रियल इमेज के लिए क्या लोगे, एम रियल इमेज के लिए एम प्लस 3 लेते हो कि माइनस 3 लेते हो बेटा, क्या लोगे रियल? चलो डिटेल में दिखा देता हूँ, सुनो बेटा मुझे m निकालना होता है तो m का फॉर्मूला बताओ बेटा, h डैश अपॉन h होता है कि नहीं होता है? यस सर। अच्छा, मैंने बोला आपसे कि रियल इमेज है, तो रियल इमेज किधर बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है या ऊपर बनती है? नीचे बनती है। नीचे बनती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर h जो आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा, h डैश माइनस। और आपका जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो क्या होगी? प्लस। तो माइनस अपॉन प्लस क्या देगा? माइनस। किसकी बात किया था रियल इमेज की, क्या आया है हमका साइन माइनस, समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। अब चाहे तो आप इसका रे डायग्राम बना सकते हो, कैसे बनाएंगे इसका हम रे डायग्राम, सिंपल सा है, पहले इसको सजावट कर लेते हैं, इसकी फोकस कितना है, हमारा फोकस है 7.5 पर, हमारा फोकस है, फिर ऑब्जेक्ट 10 पर रखना है, तो सोचो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, 10, 10 मीन्स 7.5 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 3 से कम होना चाहिए 10, यस और नो बेटा? ये सब ध्यान रख के बनाना है आपको, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि फोकस कितने डिस्टेंस पर है, 7.5 पर, सर सेंटर किधर है, 15 पर है, 7 होता है सेंटर, सर सर योर वॉइस इज लैगिंग बेटा, आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, आज पूरी मॉर्निंग से चल रहा है सर, अभी आ रहे बेटा? हेलो, यस सर, अभी आ रहे, ठीक है, ये समझ में आया मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, मेरा फोकस 7.5 है, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर 15 है, लेकिन मुझे पता है कि 10 कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में 10 आएगा कहीं पर, यस और नो? यस सर। बोलो बेटा। यस यस सर। रे डायग्राम पूछेगा वो आपसे डेफिनेटली, वो यू भी नहीं निकलाएगा आपसे, लास्ट में पूछेगा रे डायग्राम आपसे, हर क्वेश्चन में, तो रे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो। चलो ये क्या, अब देखो बेटा इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, चित्र में बनाया हुआ है बिटवीन एफ एंड सी, वहां आएगा बेटा, किधर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी के बीच में रखा हुआ है, बिहाइंड इनफिनिटी एंड देखो, पहले मैं ये ले लेता हूँ, इसको फोकस से पास करा दूंगा, ये सुनो, अब चाहे तो आप ये वाली ले लो,
और ऐसे इसको कट कराओगे तो यहाँ पर कहीं कट करेगा, ठीक है, बना सकते हो। और फिर ये डिस्टेंस आप लिखोगे जो अभी आपने निकाली है उस पर 30 सेंटीमीटर, और ये बिहाइंड सी आ रहा है, ये आपको पूरा ही करना बेटा। एक बार करो इसको, फिर हम कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसका यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर जो थ्योरेटिकल है। बेटा मैंने आपसे कुछ लेके आने की बोला था, लेकर आओ सभी। एग्जाम्पलर खरीद लिया सभी ने, परचेस किया कि नहीं? एग्जाम्पलर अगला एग्जाम्पलर परचेस कर लिया? एग्जाम्पल कब करोगे? एग्जाम के बाद बेटा जितना जल्दी करो अच्छा है ना, अभी आपको टाइम मिल रहा है, प्रैक्टिस करो, बाद में स्कूल खुल जाएंगे, टाइम और कब मिलेगा, राइट? तो प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है पॉसिबल। एग्जाम्पल खरीद लेना, पुराने जितने भी क्वेश्चन थे उसकी आप बुक्स खरीद लेना, साथ में आप फुल मार्क्स आता है, फुल मार्क्स करके बुक आती है बेटा, वो ले लेना, उसमें आपको थ्योरी अच्छे समझ में आ जाएगी फुल मार्क्स में, ठीक है? चलो क्या पढ़ना है नेक्स्ट? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर देख लेते हैं, इसको भी खत्म करते हैं आज। आज हमारा रिफ्लेक्शन का बेटा एंड हो जाएगा, कल से हम रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फिर बोल रहा हूं थोड़ा फास्ट ही जाएगा, इसलिए बेटा इसका रिविजन करते रहना। फिर काफी सिमिलरिटी है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में, तो उसको मैं थोड़ा फास्ट लेके जाऊंगा। देखो बेटा, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, पहली बात करते हैं कॉनकेव मिरर के यूज की। पहले इसको समझो ध्यान से, हाथ हाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ठीक है? फिर मैं नोट छपवा दूंगा आपको। देखो बेटा, जो टॉर्च होती है, अगर आपने टॉर्च देखा है, टॉर्च में ऐसा कुछ लगा होता है, फिर यहाँ ग्लास लगा होता है और यहाँ पर इसका लैंप लगा होता है, यस और नो? टॉर्च ऐसे बनती है, यस सर। अंदर की साइड ऐसा सेफ होता है, यहाँ पर इसको ग्लास लगा होता है और यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका लैंप लगा होता है, और इसको काफी ऐसा लगता है सही स्क्रीन को बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से चमकाया हुआ था, ताकि रिफ्लेक्शन ज्यादा हो सके। ऐसा ही टॉर्च का पोर्शन होता है, ठीक है? यस सर। अब होता क्या है बेटा, हमें टॉर्च किस लिए चाहिए? कि हमारे लिए ज्यादा डिस्टेंस तक लाइट जा सके, और ज्यादा डिस्टेंस तक कौन सी लाइट जाती है? जो लाइट पैरेलल में होती है, यस सर। तो अगर यहां से लाइट पैरेलल में निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मीन्स टॉर्च अच्छी है। तो देखो हो सकता है बेटा इस ग्लास की वजह से कुछ लाइट सीधा ही पैरेलल में चले जाए। बनाए डिजाइन अगर अच्छे डिजाइन वाला होगा बेटा, तो ये लेंस बनाएगा उसको, यहाँ पर लेंस होगा, उसके लिए भी इसको फोकस पे रखेगा, ताकि ये क्या करेगा बेटा, पैरेलल चली जाएगी। एक केस, अगर ये लेंस है, यहाँ पर लेंस लगा होता है नॉर्मली, यस और नो? यहाँ पर जो कांच होता है बेटा, उस लेंस लगा होता है। हमें अच्छी डिजाइन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंस लगा देंगे और इसको फोकस पे रखेंगे। तो आप देखोगे जो फोकस पर होता है वो क्या करता है बेटा, इमेज को पैरेलल कर देगा। तो हम लेंस में बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक तो ये केस हुआ कि कुछ देर तो बेटा सीधा चली गई, क्योंकि लाइट फोर्स जो होता है बेटा, लाइट फोर्स कौन से डायरेक्शन में लाइट निकालता है? ऑल डायरेक्शन। लाइट फोर्स सभी डायरेक्शन में बेटा रे निकालता है, ध्यान रखना। तो लाइट फोर्स होते ना ऐसे लाइट निकालते हैं ऑल डायरेक्शन में, कुछ तो चली गई सीधा कांच से निकल कर, और अब जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कैसे होगी बेटा, ये फोकस पे रखा हुआ है। ये ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे कि मेरा कॉनकेव मिरर है, ऐसा नहीं लग रहा है कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर फोकस पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा फील हो रहा ना? यस और नो? यस सर। इससे जितनी भी लाइट जाएगी बेटा, मान लो ये लाइट आएगी तो ये इससे टकराएगी, फिर पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये इससे कोलाइड हुई, पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई, यही तो पड़ा था। जो लाइट फोकस से आती है वो कैसे हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद में, पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो? ऐसे होगा? यस सर। तो जो जो लाइट सारी तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, तो क्या होगी बेटा,
तो समझ में आया हमारी जो टॉर्च होती है वो कैसे वर्क करती है। टॉर्च, अब टॉर्च कहीं भी हो सकती है, हेडलाइट हो सकती है आपके व्हीकल्स की, यस और नो? टॉर्च होती है, सेटेलाइट जो होती है बड़ी बड़ी वो हो सकती है। तो टॉर्च की वर्किंग समझ में आई कैसे करते बेटा? टॉर्च की वर्किंग समझ में आया, टॉर्च कैसे वर्क करती है, यस और नो? यस सर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे टॉर्च के बारे में, मैं एक साथ ही लिखवा दूंगा, सॉरी तो, लेकिन इसके बाद समझ लो बेटा, ठीक है? आपको याद रखने प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात हम रिजल्ट की करते हैं, तो पहला केस हो गया टॉर्च। सेकेंड केस, सेविंग करने के लिए भी आप मिरर का यूज कर सकते हो। अब सर सेविंग करने में कैसे? देखो बेटा, मुझे कैसा इमेज सेविंग करना है, मीन ज्यादा जो पोर्शन हो लार्ज दिखे तो अच्छा है। पहला, रियल दिखे या नहीं दिखे उससे मतलब नहीं है, लेकिन एयर दिखना चाहिए, ऑटोमेटिक वर्चुअल दिखेगा। क्या आप ऐसे सेविंग कर सकते हो कि आपका फेस उल्टा दिख रहा है? क्या पॉसिबल है? सामने फेस उल्टा दिख रहा है, इन्वर्टेड है, सेविंग करना पॉसिबल है क्या? अगर आप no, शेयर करना चाहते पॉसिबल नहीं है, शेयर करने के लिए आपका जो फेस है वो सामने इरेक्ट दिखना चाहिए। अब इरेक्ट तो सर तीन केस में बन सकता है, इरेक्ट मीन्स वर्चुअल, कॉनकेव, कॉनवेक्स और प्लेन मिरर, तीनों बनाते हैं। लेकिन हम क्या करें जिससे बड़ा दिखे फेस, और बड़ा दिखे तो हम छोटी छोटी चीजों को अच्छे से देख सकते हैं, तो उसकी जगह आप प्लेन मिरर की जगह बेटा कॉनकेव का यूज कर सकते हो। कॉनकेव मिरर का मैं यूज कर सकता हूं। कॉनकेव मिरर क्या करेगा बेटा? इसका जो सिक्स केस हमने पढ़ा है, उस सिक्स केस में ये क्या करेगा, उसकी लार्ज इमेज तो बनाएगा ही, साथ में इरेक्ट भी बना देगा, तो हमारा काम हो जाएगा। जो फेस का उसका थोड़ा सा बड़ा साइड बना देगा, यस और नो? कर सकते ना? यस सर। अरे बाबा, ये मेरा मिरर लगा हुआ है, लेकिन ये कैसा मिरर है? कौन किया हुआ है तो इसमें जादू दिखेगा। अगर मैंने जो दूर रहा, अगर मैं दूर से बना रहा हूं तो मेरा फेस उल्टा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे पास जाऊंगा एक कंडीशन आएगी जब मेरा फेस दिखना बंद हो जाएगा, मतलब काफी दूर ना, इन्फिनिटी पर बनेगा। अब जब मैं और पास जाऊंगा तो मेरा फेस अब सीधा हो जाएगा, उस टाइम में सही कर सकता हूँ, बड़ा भी हो जाएगा। ये सुनो, जैसे मैं इस मिरर के फोकस के अंदर चला जाऊंगा मेरा फेस सीधा हो जाएगा, अब मैं सेव कर सकता हूँ, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि चाहे कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो उसे हम लार्ज करके देख सकते हैं और बिना माइंड की कंफ्यूजन के। तो सर और कहा, डेंटिस्ट भी इसी का यूज करते हैं। डेंटिस्ट जो मिरर का यूज करते बेटा वो भी कॉनकेव का ही यूज करते हैं। ठीक है, जब डेंटिस्ट मिरर का यूज करते हैं उसमें भी कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव यूज करते हैं। मीन हमारे छोटे छोटे दांतों की अगर उनको बड़ा इमेज देखना होता है तो क्या करते हैं, उसका कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, इससे उसको लार्ज इमेज मिल जाती है। क्या तीनों पॉइंट समझ में आया बेटा? यस और नो? कहां किया हमने? सॉरी बेटा, दोबारा पूछो। So which mirror is used in vehicles? Vehicles में बेटा टॉर्च में अगर आप यूज कर रहे हो, टॉर्च में व्हीकल के टॉर्च में, तो कॉनकेव। अभी हम कॉनकेव ही पढ़ रहे हैं, राइट? तो कौन सा करेंगे बेटा? अगर हेडलाइट है ना, हेडलाइट होती है तो कॉनकेव। लेकिन आप रेयर पीछे का व्यू देखना है तो कॉनवेक्स, वही बात करेंगे, कॉनवेक्स क्यों करते हैं। लेकिन जो मैंने पढ़ाया था समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ? सब पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, यस सर। तो हमारे पास में टॉर्च में क्यों यूज करते हैं ये पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं सर। वहां जो हमारे पास में सोर्स ऑफ लाइट होता है उसे हम कहाँ रखते हैं? जो कर्व होता है उसके फोकस पर रख देंगे। इससे क्या होगा कि जब रिफ्लेक्शन होगी लाइट वो सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और पैरेलल बीम बनाएगी। चलो, शेविंग करते वक्त हम इसका यूज कर सकते हैं।
सेविंग करने में प्रॉब्लम क्या जाएगी कि सर अगर हम दूर खड़े रहेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, हमारा इन्वर्टेड इमेज दिखेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी फिक्स जरूर पोजीशन होगी अगर हम उस पोजीशन के बीच में आ जाएं तो इरेक्ट प्लस लार्ज इमेज दिखेगा, वो होगी पोल टू फोकस। यही फिनोमिना यूज करते हैं बेटा डेंटिस्ट भी, सेम फिनोमिना होता है वहां भी। वो क्या करते हैं तो छोटे से ऑब्जेक्ट की हमारे जो टीथ होते हैं उसकी बड़ी इमेज बनाकर देखना होता है तो वो ये मिरर यूज करते हैं। चलो फोर पॉइंट क्या बेटा, जो हमारे पास में फर्नेस होती है सनलाइट वाली फर्नेस, राइट, जिसमें हम फूड वगैरह जिसमें आपको पकाना होता है, फूड वगैरह फूड प्रिपेयर करना होता है, फर्नेस जहां सनलाइट आती है और वहां पर हम फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं, राइट, उस फर्नेस में भी हम इसका यूज करते हैं। देखो कैसे, अब बताओ बेटा, मुझे ये बताओ, मुझे कुछ बनाना है यहाँ पर ना, मान लो यहाँ मैं कुछ लगा दूँ और इसके नीचे मैं कुछ रखूँ, ऐसा कोई बॉक्स बनाऊँ, ठीक है, जिसे मेरा फूड प्रिपेयर हो जाए। ऐसे बड़ी बड़ी फर्नेस होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए, सोचो मुझे एक ऐसा बॉक्स बनाना है, ठीक है, जो सनलाइट से क्या बनाया, मान लिया खाना बना दे, राइट, तो जो सनलाइट आती है वो नॉर्मली बेटा सनलाइट कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, मतलब पैरेलल लाइट आएगी, यस ऑन नो, दूर से आ रही है तो पैरेलल आएगी, यस ऑन नो, यस सर, यस सर। अब ये क्या है, एनर्जी है, और हमें कोई चीज पकानी होती है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसा मिरर रखेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, बॉक्स बना दिया, बॉक्स नहीं, बॉक्स बनेगा लेकिन थोड़ा सा मिरर को लगाना भूल गया, ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता है, यहाँ पर हम मिरर लगा देते हैं इसकी तरफ, देखो लाइट आएगी, कहीं ना कहीं तो मिरर लगाना पड़ेगा, अरे बॉक्स समझने के लिए बना रहा हूँ, ऐसी कोई फर्नेस नहीं होती इतनी, ठीक है, फर्नेस बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन इसको समझो, इसकी फील करो कि उसमें होता क्या है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। यहां से बेटा सनलाइट आएगी, राइट, अगर सनलाइट आ रही है ये कैसे आ रही है, पैरेलल टू पैरेलल रे आ रही है। अब ये एनर्जी को मुझे यूज करना है फूड प्रिपरेशन में, तो अगर बेटा एक एनर्जी को एक पॉइंट पर यूज करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगी, अस्टम्पर टू अगर आप उसको फैला कर यूज करो, तो मैं क्या करूंगा यहां पर बेटा एक ऐसा मिरर रखूंगा, क्वांटियो मिरर, क्वांटियो मिरर क्या करता है, जिस सनलाइट आ रही बेटा उसको क्या करेगा, एक कन्वर्ट कर देगा, राइट, जो भी इसका पॉइंट होगा वहां पर मैं क्या करूंगा, मेरा फूड जो भी मुझे प्रिपेयर करना है फूड वगैरह वो इसमें रख दूंगा, तो क्या वो सनलाइट एक जगह पर कन्वर्ट हो जाएगी, जो सन की एनर्जी आ रही है वो कंज्यूम होकर एक जगह आ जाएगी, यस और नो, इसके बाद समझ में आप बोलते हो ऐसे, तो उसको फर्नेस बोलते हैं, लेकिन सोलर कुकर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं चीजें, राइट, तो समझ में आया कि नहीं बेटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, यस सर, आ गया समझ। अब इसको मैं नोट करना है तो मैं नोट कर देता हूँ थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको, वन बाय वन पॉइंट नोट कर लो, इसमें यूज ऑफ क्वांटियो मिरर, फिर पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले मैं नोट करवा देता हूँ, बुक से करवाता हूँ, वन मिनट का इसमें नोट करना है आपको, देखो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज इन टॉर्च, जहां पर बड़ा समझ में आया पूछ लेना ऑफिस द्वारा, ठीक है, लेकिन माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपके कि कौन से फिनोमिना पर वर्क कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्च, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्च, टॉर्च कौन कौन सी हो सकती है, टॉर्च हमारे पास बहुत सोच सकती है, सर्च लाइट सब कुछ ढूंढते हो, सर्च करते हो सर्च लाइट, और हमारे पास में जो होती है पेकल्स हेडलाइट,
इस तीनों में टॉर्च का फिनोमिना वर्क कर रहा है यस और नो? तीनों में कौन सा फिनोमिना वर्क कर रहा है? टॉर्च का ही. कौन कौन सा हो गया बेटा? कॉनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैनल बीम टू गेट पावरफुल पैनल बीम अप्लाइड. और यहां पर जो हम लाइट सोर्स को रखते हैं बताओ कहां पर रखते हैं? लाइट सोर्स को आप कहां रखते हो इसमें? इस केस में लाइट सोर्स कहां पर रखा होता है? सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट, कहां पर रखोगे बेटा? टॉर्च में सोर्स ऑफ लाइट कहां पर रखा होता है तब जाकर वो पैनल बनाएगा? बोलो. प्रिंसिपल फोकस पर रखा होता है. चलो नोट करो बेटा इसको. ये समझ में बेटा? यस और नो? रिप्लाई नहीं कर रहा, टाइम हो गया अभी से. चलो नेक्स्ट. कहां पर यूज करते बेटा? बेटा रिप्लाई तो करो. नेक्स्ट कहां पर यूज करोगे? शेविंग मिरर के रूप में यस और नो? तो कॉनकेव मिरर यूज शेविंग मिरर. दूसरी लार्ज इमेज ऑफ फेस की अगर आपको लार्ज इमेज देखनी है बेटा तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हो. राइट. नेक्स्ट इज डेंसिटी. भी सेम फिनोमेना यूज करते बेटा. थर्ड डेंसिटी यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ. नोट करो. तो लास्ट करते हम पढ़ने इसमें. नोट करो इतना बेटा. लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस. बेटा यहां से समझ में आ रहा है? लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट, कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट.
ठीक है. लार्ज कंसन लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस किसिंग सोलर फर्नेस. बस समझ में आया कि नहीं? हेलो, ये समझ में आया? फोर पॉइंट यस सर. यस सर. अब लिख लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए. एक छोटा सा पॉइंट, उसमें कुछ नहीं है, इतने हमारा टाइम भी हो जाएगा. इसका ध्यान रखना लेकिन सभी का. सोर्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट फोकस पर होगा. यहां पर जो सबस्टेंस है वो फोकस पर है. मान लो मुझे फूड प्रिपेयर करना है तो वो कहां पर होगा बेटा? फोकस पर रख दूंगा. तो लाइट आएगी सारी कहां पर आएगी? फोकस पर. तो इस चीज ध्यान रखना है इसमें. अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स की. कॉन्वेक्स का एक ही यूज आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें, वो है रेयर व्यू मिरर में. देखो अब देखो, हमारे पास जो व्हीकल्स होते हैं उसमें आपका साइड व्यू लगा होता है, रेयर व्यू, जो सामने वाला हो सकता है, साइड व्यू होता है जो पीछे की दिखाता है, रेयर व्यू मिरर जिसे बोलते हो आप. बोलते हो जो आपकी व्हीकल्स में लगवाते हैं बेटा, राइट? वो हम क्यों यूज में लेते हैं? पीछे की चीज हमें सही से दिख जाए, यस और नो, जो पीछे है वो सही से दिख जाए, राइट? हमें क्या चाहिए कि जो पीछे का है वो इरेक्ट बने या इन्वर्टेड बने? क्या चाहते हो आप? जो पीछे का हमें दिखे वो इरेक्ट बनना चाहिए, नहीं राइट? नहीं तो हमें माइंड में इतना पता नहीं चलेगा तो कब तक बार बार उसको सीधा करते देखते रहेंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे. तो पहला तो इरेक्ट बनना चाहिए. अक्सर इरेक्ट को फिर से तीनों बना सकते हैं. रेट तो कौन के भी बनाता है, रेट तो प्लेन भी बनाता है, रेट तो कॉन्वेक्स भी बनाता है, फिर कॉन्वेक्स प्लेन है. तो कॉन्वेक्स क्या करता है बेटा? इमेज को छोटा बनाता है, ठीक है? और साथ में कॉन्वेक्स का जो व्यू होता है बेटा वो ज्यादा होता है कॉन्वेक्स मिरर का. तो ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर की जगह कॉन्वेक्स को रख दोगे तो कॉन्वेक्स का जो व्यू होता है बेटा देखने का, वो ज्यादा चीजों को देखता है एक साथ में कॉन्वेक्स. लेकिन कॉन्केव क्या करता है? कम को देखता है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा चीजों को छोटी छोटी करके आपको दिखा देगा. तो आपका लार्ज एरिया, पीछे का लार्ज एरिया कवर कर सकता है कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर. पहला तो है कि हमें सीधा देखना है, इसलिए इरेक्ट इमेज बनानी है. पहली बात आपको कैसी बनानी बेटा इमेज? तो इरेक्ट बनानी है. तो इरेक्ट तो तीनों बना सकते हैं, यस और नो? नो डाउट, तीनों मिरर आपको इरेक्ट बना सकते हैं. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का जो व्यू होता है बेटा वो ज्यादा कवर करता है, ज्यादा एरिया कवर करता है कॉन्वेक्स मिरर. और हम तो चाहते हैं कि जो पीछे का है वो हमें ज्यादा से ज्यादा दिख जाए, यस और नो? हमारा क्या पर्पज है उस मिरर में? हमें ज्यादा से ज्यादा पीछे का व्यू दिख जाए, यस और नो? एक तो इरेक्ट दिख जाए और वो ज्यादा से ज्यादा दिखे. इसके लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं बेटा? कॉन्वेक्स. समझ में आया? रेयर व्यू मिरर में आप कौन सा मिरर यूज करोगे बेटा? कॉन्वेक्स यूज करोगे. कॉन्वेक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहला तो इरेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि हमारा माइंड हर पिक्चर को पहले उसका उल्टा करें फिर हमें बताएं कि भाई ब्रेक लगाना है, स्पीड बढ़ानी, क्या करना है, इतना टाइम नहीं है. तो इमेज तो इरेक्ट ही बननी चाहिए. फिर है कि हमें ज्यादा से ज्यादा व्यू कवर हो जाए. ऐसा मिरर है कि जो उसका साइज सेम हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजें पीछे की दिखा दें तो वो मिरर काम करता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर. इसलिए इसको रेयर व्यू मिरर में भी लेते हैं. और कभी कभी आपने देखा हो तो सिक्योरिटी के लिए भी आप इसका यूज देखा होगा, कहीं
बहुत सी जगह क्या होता है बेटा, आपने देखा हो तो शॉप जो होती है उसके बाहर पर ये लगा होता है। जैसे मान लो मुझे कुछ देखना है जो मेरे पीछे की साइड है, लेकिन मैंने उसको मेरे फ्रंट पर एक मिरर सेट कर दिया जो मेरे बाहर का व्यू दिखा रहा है, तो मैं अपनी सीट पर देखते देखते देख सकता हूँ कि मेरी जो शॉप है उसके बाहर क्या चल रहा है। ये सुनो, तो कभी कभी इसको सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी आप इसका यूज करते हो। सपोज करो मैं अपनी शॉप पर बैठा हूं, ये यहाँ पर शॉप का गेट है, आप सामने का तो देख सकते हो, नो डाउट इधर कुछ चल रहा है तो आप देख लोगे, लेकिन यहाँ पीछे क्या चल रहा है इस साइड थोड़ा सा मतलब गेट की साइड क्या चल रहा है उसे देखना है, तो मैं क्या करूंगा एक मिनट सेट कर दूंगा इस डायरेक्शन में, राइट, तो मुझे उस तरीके का पूरा व्यू दिखा देगा। तो कभी कभी उसको आप सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज करते हो, लेकिन जो आपका 10th क्लास में मेन यूज था वो कौन सा बेटा, रियर व्यू मिरर। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आ गया तो उसे लिखवा कर क्लास एंड करते हैं। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो अब इसे छापना शुरू कर दो, जल्दी से छपा देता हूं इसको मैं। इसका एक ही मेन यूज आपकी बुक में है, कॉन्वेक्स मिरर आर्च कॉमनली यूज फॉर रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। आज कल इसे बुक से भी लिख सकते हो इसको, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज व्यू मिरर, जिसको हम विंग भी बोलते हैं, शॉप में विंग, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसा क्यों करते हैं यूज का, वो नोट कर रहे हैं ऐसा यूज क्यों करते हैं बेटा इसका, कॉन्वेक्स मिरर व्यू अ वर्चुअल, ये पता ही हमें, कॉन्वेक्स मिरर व्यूज वर्चुअल इरेक्ट, मेन तो हमें इरेक्ट चाहिए इसका, है ना, इरेक्ट चाहिए तो वर्चुअल तो आएगा ही, तो साथ में एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इरेक्ट व्यूज इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच पैलेस एट फ्रंट ऑफ यू, जिससे सामने रखा होता है उसका कैसा इमेज का आंसर बताया, इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल इमेज बना देता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ये पता ही आपको। नेक्स्ट, ये बुक से लिखवा रहा हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं बताया लिखने का, तो आप वहां से भी लिख सकते हो, दे आर प्रिफर्ड अस रेज मिरर, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो करके लिख सकते हो, दे आर प्रिफर्ड अस अ रियर मिरर because they view a window field. They view the field of view. This is the main design which allow to driver which allows the driver most of the traffic. लगता है पूछा भी जाता है उसका रीजन, स्पेसिफिक पूछा जाता है बेटा, ठीक है, इसका जो रीजन है
स्पेशली पूछा सर, पूरा आपको ऐसे याद करना है, ठीक है? ये आपको एनसीईआरटी बुक मिल जाएगा। आज का होमवर्क यही है आपका बेटा, जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, सब कर लो। जो मिरर से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बेटा, सारे करना है। रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग करेंगे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया बेटा? हाँ सर, मेरे पास रिफ्लेक्शन पड़ी है, तो एग्जाम्पलर लेने की जरूरत। उसमें एग्जाम्पलर है क्वेश्चन, उसमें लिखे बेटा एग्जाम्पलर? हाँ सर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ तो देख लो उसमें, अगर उसने लिख रखा कहीं पर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को, नो डाउट वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है? बाकी अगर लाना चाहो तो बेटा ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आती यार, 120 ऐसे कुछ आती समथिंग, वो आप इतना तो ऐसे ही खर्च कर देते हो। 120 खर्च करने में कितने दिन लगता है आपको? 2 or 3 days, मुश्किल से बता रहा हूँ। जब बाहर निकलते तो 100 rupees तो ऐसे निकल जाते हमारे जेब से, और उसमें सिर्फ फिजिक्स का नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, सब कवर करेगा आपका, 3 subjects में डिवाइड होगा। तो 120 को अगर 3 subjects में डिवाइड कर दोगे तो 40 rupees तो कर सकते हैं ना पढ़ने के लिए, तो आप लेके आए तो अच्छी बात है बेटा। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवाने की वहां से भी। नोट किया बेटा इसको? यस और नो? यस। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पर रिफ्लेक्शन की। ये रिफ्लेक्शन का अब रिफ्रैक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन में लाइट क्या करेगी बेटा? सीधा उससे पास हो जाएगी, अब रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब हम बात करेंगे पास हो रही है लाइट, तो जब दो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में पास हो रही है तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यस और नो? थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सही लिखा कुछ नहीं रहा हूं। आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बने होंगे, उसके पार्टिकल जो होंगे किसी के पास होंगे तो किसी के दूर होंगे। यस और नो? ऐसा ही होता है ना, अगर मीडियम डिफरेंट है तो पार्टिकल जो है उसके वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से जब लाइट पास होती है बेटा, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। ऐसा समझो ना, प्लेटफॉर्म पर आप दौड़ रहे हो जो बिल्कुल खाली है, एक भरा हुआ प्लेटफॉर्म है, कहाँ दौड़ना इजी है, तो खाली प्लेटफॉर्म पे या भरे हुए प्लेटफॉर्म पे कहाँ दौड़ना इजी होता बेटा? खाली वाले पे? खाली। तो ऐसा ही कुछ लाइट के साथ होता है कि उसको जहां दौड़ने में प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर स्लो हो जाएगी, जहां दौड़ना इजी होगा वहां पर फास्ट हो जाएगी। इस तरीके से वहां पर थोड़ा बेंडिंग आना शुरू हो जाती है लाइट, इसका पाथ डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा, और इसका और भी अच्छे से पढ़ेगा आप जब क्लास 12th में जाओगे, हाइजन प्रिंसिपल, वहां पर आपको समझाया जाएगा ऐसा क्यों होता है, क्यों लाइट बेंड होती है। यहां तो हमारा काम चल जाएगा कि इसका वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन जो एक्चुअल में वहां पढ़ोगे तो उसका वेव से भी समझाएगा। हमने पढ़ा ना बेटा, लाइट ड्यूल नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर, राइट? तो जब आप 12th में जाओगे तो वहां पर आएगा हाइजन प्रिंसिपल, जो आपको समझाएंगे कि क्यों लाइट बेंड होती है, क्यों लाइट जब डिफरेंट मीडियम में बेंड हो जाती है, तो वहां पर आपको और समझना आएगा, ठीक है? लेकिन यहां पर अगर हम देखें कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसका वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट, लाइट का बेंडिंग होती है, और उसे हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है? फिर वहां पढ़ेंगे कि अगर बेंडिंग हो रही होती है कौन सी साइड बेंडिंग होगी, नॉर्मल की साइड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये 2 points पढ़ने हैं बस, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन पूरा एक खत्म, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है, ओके? तो मैं आपके अटेंडेंस ले लेता हूं, गिव मी 1 minute। ओके भाई एवरीवन, पढ़ के आना बेटा पूरा ही रिफ्लेक्शन अच्छे से।